वेदांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी। जीवन भर गौड़ीय मठ की सेवा की उन्होंने, कभी कोई गलती नहीं, वंडरफुल डिवोटी। एक बार ऐसा हुआ, पता चला कि उनको कोई ऐसा रोग हो गया है कि वे 3 महीने के अंदर मर जाएंगे। वो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, बोले गुरु महाराज, मैं जो अभी मेरा जो ये रोग हुआ है, 3 महीना में जो मैं कभी भी गुजर सकता हूँ, मेरी एक ही आशा है, इतने सालों में मैंने कभी मेरी माँ को नहीं देखा, एक बार कलकत्ता जाऊंगा, मेरी माँ को देख के आऊंगा। गुरुजी ने बोला नहीं हो सकता, सॉरी यू कान गो। उसको बहुत बुरा लगा, मैं इतने साल में कभी घर नहीं गया, अब मैं कभी भी शरीर छोड़ सकता हूँ, एक बार मेरी माँ को देखना चाहता हूँ। बोला तुम नहीं जा सकते। 1 महीना पास हो गया, 2 महीना पास हो गया, 3 महीना में आ गया, अब इतनी हालत खराब हो गई कि अब डॉक्टर ने बोला बस अब शायद 1-2 दिन, अब लगता नहीं ज्यादा दिन बचेंगे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके पास गए और बोले जाओ तुम्हारी माँ को मिल के आओ। बोला क्या, पहले मैंने आपको बोला था मैं जाऊंगा, तब तो आपने जाने नहीं दिया, अब मैं नहीं जाना चाहता। तो क्यों नहीं जाना चाहते? बोलता है कि अब तो मैं शरीर त्याग करने वाला हूँ, तो मैं कलकत्ता में क्यों शरीर त्याग करूँ, मैं नवदीप धाम में शरीर को त्याग करना चाहता हूँ, मैं यही रहूंगा गुरु जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला तुम नहीं रह सकते, मैं तुमको मंदिर से निकाल रहा हूँ, तुमको अभी जाना पड़ेगा तुम्हारी माँ के पास। उसके शिष्य को बोला इसको लेके जाओ, ट्रेन में बिठाओ, चलो उसके माँ के पास जाके छोड़ दो। शिष्य ने उसको बिठाया ट्रेन में, ट्रेन चल पड़ी, रास्ता में उसका देहांत हो गया। अब जो उनके सेक्रेटरी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सेक्रेटरी, उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये कैसा क्रूर बिहेवियर, बेचारा माँ को भी नहीं मिल पाया और नवद्वीप धाम में उसका मरण भी नहीं हुआ, दोनों चीज उसको नहीं मिला। वो गया गुरु के पास। ये बहुत बड़ी सीख है कि जब भी हमें गुरु पे कोई संदेह आए, पहले पूछ लेना चाहिए, माइंड में उतना कुछ खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए, ऐसा क्यों किया, ऐसे है ये वैसे है, फिर उसमें गुरु अपराध हो जाता है। नहीं समझ में आया ना गुरु ने क्या किया, उनका बिहेवियर समझ में नहीं आया, जाके पूछे मुझे नहीं समझ में आया, एक बार बता दो, उसमें अपराध नहीं होता, आपको क्लैरिफाई हो जाता है। बोले मुझे अच्छा नहीं लगा गुरु जी, आपने ऐसा क्यों किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोला कि अगर मैं उसको उसकी माँ के पास भेज देता 3 महीने पहले, तो वो अपनी माँ के चिंतन में, क्योंकि इतने सालों के बाद मिला तो सब समय अपना माँ का फेस, माँ, मेरी माँ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इतने सालों में जो साधना की वो सारा खराब हो जाता था। लास्ट में भगवान को याद करने के बदले में अपनी माँ को याद करता था, क्योंकि इतने सालों में कांटेक्ट नहीं था तो घर की याद नहीं आती थी, लेकिन एक बार जब आप बात करने लगोगे तो सारी हिस्ट्री बताएंगे ना, इतने साल में ये हुआ, काका का बेटा मर गया, काकी की बेटी की शादी हो गई, इसने इतना पैसा दिया, इसने इतनी डाउरी दी, सारी बातें याद आ जाए, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था। तो बोला ठीक है, वो तो समझ में आया, लेकिन जब नवद्वीप धाम में वो मरना चाहता था देह को त्याग करने, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था? बोला उसमें प्रॉब्लम ये था कि यहाँ अगर वो त्याग करता था तो अपनी माँ को याद करता रहता था, लेकिन जब मैंने उसको ट्रेन में भेज दिया तो वो हर पल नवद्वीप धाम के बारे में याद कर रहा है कि मेरे को उधर मरना है, मेरे को उधर मरना है, मेरे को क्यों यहाँ भेज रहे, मुझे तो नवद्वीप, अरे मैं नवद्वीप धाम में, मैं तो मैं मिस हो जा रहा हूँ, मुझे नवद्वीप धाम में रहना है। तो अब क्या हुआ, कॉन्शियसनेस कंटिन्यूसली नवद्वीप धाम। तो ये है गुरु का, यू नो, कभी कभी गुरु कठोर लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे, तुम शांति रखो, जो कर रहे तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे, उनका उनके पीछे कुछ कारण होता है। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा।